हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, राइट? तो आज हम उसी से ही कॉन्टिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि चार्जेस क्या होते हैं। द चार्जेस आर द क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो क्या करे, एग्जर्ट करे और रिस्पोंड करे किसको, फोर्स को। कोई भी चार्ज, जो भी चार्ज होता है, देर आर टू टाइप, लाइक और अनलाइक। चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स, लाइक एंड अनलाइक। लाइक जो चार्जेस होते हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट व्हाट अबाउट अनलाइक, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट? वी स्टडीड कि अगर आपके पास कोई भी दो चार्ज हैं, इन चार्जेस के बीच में फोर्स होगा। दिस फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, लेट दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू, एंड लेट द डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर मान लेते हैं, तो दिस इज आर स्क्वायर। वी से ये जो फोर्स होगा, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, सोचो एक यहाँ पर चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? ठीक है। नाउ हियर इफ वी रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, अगर आप इसको हटाते हैं, वी विल गेट अ कॉन्स्टेंट एफ इक्वल टू के इन टू के वन के टू डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। दिस के इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। थर्ड पॉइंट वी विल स्टडी हियर दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व्ड। कैसे होते हैं ये, कंजर्व्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन, कंजर्व्ड क्या मतलब क्या है, दैट दे कांट बी क्रिएटेड, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? ना तो इनको क्रिएट किया जाता है, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस दे आर एडिटिव इन नेचर, दे आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मीन्स, मान लो एक बॉडी कंसिडर करते हैं, इट हैव लाइक सिक्स प्लस सिक्स, राइट, माइनस सिक्स, राइट, एंड प्लस टू। सो हियर व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन इट, सो इट इज प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस टू, इनको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस टू, राइट? तो इट मीन्स आप उनको ऐड कर सकते हो, दैट इज नॉट इन अदर क्वांटिटी, और क्वांटिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बट इट इज पॉसिबल इन चार्जेस, राइट? दे आर क्वांटाइज्ड ऑल्सो, ये जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन, दैट द चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। What is E? This is basic unit of charge. Basic unit. क्या होती हैं ये? Electrons हो सकते हैं, proton हो सकते हैं, right? If I am saying Q, Q is equal to N. Integral. Integral का मतलब होता है integer. Integer. Like 2 multiply हो सकता है, 3 multiply हो सकता है. कभी भी fraction में नहीं हो सकता. 3 by of E is not possible, right? तो Q is equal to N. That like 2. ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो सकता है। तो ये चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट? नाउ हाउ अ बॉडी गेट चार्ज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी के चार्ज होने का क्या रीजन होता है। सो इट इज ओनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ वी कंसिडर टू बॉडी ए एंड बी, वन इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ से हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से यहाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, राइट, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है सो इट गेन इट, सो वी से देर इज अ नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज हाउ वी टैकल दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट? Then we studied what are conductors. Conductors are the substances which have free electrons. ऐसे substances जिनमें free electron हो उनको हम conductor बोल देते हैं।
इंसुलेटर द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो या बहुत ही कम हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाज इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। आई, आई से डिनोट करते हैं क्यू बाय टी। इस क्यू को क्या बोल देते हैं? इट इज चार्ज, राइट। टी को क्या बोलते हैं? टाइम। कितना टाइम लगेगा, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी यूनिट टाइम में यहाँ से यहाँ भेजा जा सकता है, मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो वी आर कंटिन्यूइंग नाउ हियर। फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। हियर वी टॉक ऑन दिस, दिस इज डिस्टेंस। एक पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहे है ना, तो दिस इज डिस्टेंस, क्या उसको मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल, तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। टाइम, इट कैन बी मेजर्ड, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बट वट अबाउट लव? लव को मेजर किया जा सकता है? कांट बी मेजर, सो इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हियर लेट्स स्टडी यूनिट्स ऑफ इट, यूनिट्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटी। सो यूनिट्स आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इफ यू आर सेइंग कि मैम फाइव, तो फाइव क्या, वो ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, राइट। इफ यू आर सेइंग डिस्टेंस, तो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। तो अलग 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 यूनिट से हमें ये पता लगता है कि वो क्वांटिटी क्या है, राइट। तो यूनिट्स आर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हियर वी हैव टू सिस्टम, दैट इज MKS एंड CGS, वन मोर इज ऑल्सो देयर, दैट इज SI, ठीक है, दैट वी विल स्टडी हियर। Here, MKS, that is meter, kilogram, second. M for meter, K for kilogram, S for second. CGS, C for centimeter, G for gram, और S किसके लिए है? Second के लिए. Now, in this MKS, we have SI system. SI, जो overall, पूरी के पूरी international level पर चलता है. मतलब, अगर मैंने कहा, 1 meter में 100 centimeter होते हैं, so that is for you, for a person who is there in Australia or in any country, right? So it is system international unit, or you say standard international unit. Next, here we are talking about charge. Charge ki jo unit hoti hai, wo hoti hai coulomb. Coulomb, that is SI unit of charge. Abhi humne kaha na, charge kya hai? They are the quantity that exert or respond to the force. जो भी force लगेगा उसको respond करने वाली quantity, उसको क्या बोलेंगे? Charge. और charge को measure किस में करेंगे? Coulomb में, right? ठीक है. Now here, sir Coulomb, जो थे उन्होंने क्या किया था? Charge को, की unit को, Coulomb को discover किया था. So electric charge is measured by Coulomb. Here, टू लाइक पॉइंट चार्जेस, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, राइट। हेयर वी से नेगेटिव नेगेटिव ऑल्सो, सो दिस पॉजिटिव नेगेटिव दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, कंसिडर इक्वल मैग्नीट्यूड, वन इज वन, अदर इज ऑल्सो वन, राइट। प्लेस्ड इन ए वैक्यूम, नाउ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम अनदर, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस कितना है? वन मीटर। They will repel each other, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? Like charges हैं. The force between them, that is 9×10⁻⁹ newton. आप कह रहे हैं वो repel करेंगे, तो repel ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा. अगर आप कोई भी object है उसको क्या कर रहे हो, इधर से उधर ले जा रहे हो, तो it means we need a force. एक body को किसी भी position से displace करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी, और ये जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, दैट इज 9×10⁹. नाउ ईच चार्ज इज कॉल्ड वन कूलम, हर एक चार्ज को क्या बोला जाएगा? वन कूलम बोला जाएगा. इन दिस व्हाट वी से, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, दैट इज 1.6×10⁻⁹ कूलम.
मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये जो क्यू होता है अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज ऑलवेज एन इंटू ई. एन इंटू ई मतलब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन की, टू टाइम्स हो सकता है, थ्री टाइम्स हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं. फ्रॉम हियर वी से कि अगर मुझे कभी भी एन, एन मतलब नंबर फाइंड आउट करने हो, वी कैन ईजिली फाइंड. ये एन को यहाँ रखते हैं, ई मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. वी गेट हियर एन इक्वल्स टू क्यू इन टू ई, क्या मिल जाएगा, क्यू इन टू ई. राइट नाउ फ्रॉम हियर एन इक्वल्स टू क्यू, कितने चार्ज है, एक चार्ज है. इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1.6 इंटू 10^-19, यू नीड टू लर्न इट. किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19. तो n की वैल्यू इफ यू फाइंड दैट इज इक्वल्स टू 0.625 इंटू 10^19. देखो 1/16 को सॉल्व करो, ये आ जाएगा 0.625 और -19 ऊपर जाएगा तो +19. फ्रॉम हेयर वी ऑब्जर्व इट इज 6.25 इंटू 10^18. सो दिस इज वट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. राइट, ठीक है. एक कूलम चार्ज कब होता है, एक कूलम चार्ज, आप याद रखो, आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए इसकी. वन कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो इन अ सर्किट इन वन एम्पियर ऑफ करंट इन वन सेकेंड. ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं एक बार. हमने क्या कहा, आई, आई जो होगा यहाँ पर हम कहते हैं आई, आई किसके इक्वल होता है, क्यू बाय टी के. आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है, बिल्कुल. अब क्यू किसके इक्वल होगा, आई इंटू टी के होगा. ये जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, करंट इंटू टाइम होगा. चार्ज की यूनिट अभी हमने बोली वन कूलम, वन कूलम. आई जो होता है वो कितना होता है, एम्पियर. टाइम क्या होता है, वन सेकेंड. राइट, ठीक है. तो हमने क्या कहा, वन कूलम चार्ज कब फ्लो करेगा, व्हेन वन एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन वन सेकेंड. ठीक है, हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे वो आप लर्न कर लो, 6.25 इंटू 10^18 कितना, 18. ठीक है, राइट. अब करंट जो मूव करता है वो कहाँ से करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो कहाँ से मूव करते हैं, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. राइट, ओके. नाउ इन द नेक्स्ट वी से अबाउट वोल्ट, द अनदर क्वांटिटी वी हैव दैट इज वोल्ट. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, याद करो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. किसी एक पॉइंट, लेट इट इज A, अनदर पॉइंट दैट इज B, किसी एक पॉइंट से किसी भी चार्ज को एक से दूसरे पर ले जाने के लिए जो आप वर्क करते हैं, वर्क उसी क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. और उसको हमने क्या बोल दिया, वोल्ट बोल दिया. ठीक है, नाउ हाई वोल्टेज नाम सुना होगा आपने, 0.000 वोल्ट सुना होगा. वोल्ट इज व्हाट, इट इज अ मेजर ऑफ, मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. राइट, वोल्टा, वोल्टा ने क्या किया था, वोल्टा एक सेल को डिस्कवर किया था. ठीक है, हियर वी कंसीडर सर्किट विद द सेल विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी है यहाँ पर. नाउ हियर द करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. कंसिडर कर लेते हैं ये क्या होगा, चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं, जो चार्जेस होंगे और जब वो मूव करेंगे तो उससे वर्क होगा, उस वर्क को W कंसिडर करते हैं. सो फ्रॉम हियर वी ऑब्जर्व, अभी हमने कहा V होता क्या है, इट इज वर्क डन. वर्क डन किस चीज के लिए, इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो V को क्या होना चाहिए, W बाय Q होना चाहिए. वोल्टेज दैट इज इक्वल टू, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम, जूल पर कूलम. हियर 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम. वी से 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, कब होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जब आप 1 जूल काम कर रहे हैं किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए. आपने कहा यहां से यहां तक ले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए क्या कर रहे हो, W. ठीक है, ये जो W होगा वो ही क्या कहलाएगा, इट इज वोल्ट. ठीक है, तो 1 वोल्ट कब होगा, जब W कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, और चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम. व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वी आर डूइंग 1 जूल वर्क टू मूव, देन वी से इट इज 1 वोल्ट. राइट, नाउ 1 वोल्ट इक्वल टू जूल, देखो कूलम नीचे है, वी कैन राइट जूल पर कूलम. तो आप C को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, जे सी माइनस 1, देन 1 मिली, मिली वी डिवाइड बाय 1000.
So it is 1 by 10 to the power 3 volt. It is 10 to the power minus 3 volt. 1 kilo, you know, it is equal to 1000 volt. 1 mega, it is 10 to the power 6. Now we will talk about ampere. What is ampere? It is SI unit of electric current. SI unit of electric current, right? Here, ampere, it is the unit for measuring electric current. Ampere ne hi isko diya tha. Sir Andrew Mary Ampere, he discovered the unit of ampere for this. Consider a circuit with the cell positive, negative. Now, the current is flowing from, the charge is flowing from positive to negative. आप कहते हैं कितने टाइम में? T टाइम में. चार्ज क्या हो? कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? T टाइम में. ठीक है, इसी को ही करंट बोला गया था. Now, if we say I, तो क्या होगा? Q by T. It is the amount of charge flowing in time T. I equal to, we say electric charge by time, Q by T, ampere. Ampere equal to coulomb per second, right? Divided. क्योंकि आपने कहा चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो 1 एम्पीयर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कितने में? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में. नाउ हियर 1 एम्पीयर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड. 1 कूलम चार्ज फ्लो करे किसमें? 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पीयर. 1 मिली, मिली में होता है 10 टू द पावर माइनस 3, बिल्कुल. तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, राइट. Match the following. Let's do some question here. Interesting question. First is electric current, electric charge and potential difference. So here, can you tell me? Here, electric current. Electric current, it is the unit of electric current is ampere. ठीक है? Electric current, जो quantity है, उसकी unit ampere होती है. Charge. Charge की unit क्या होती है? Coulomb. बिल्कुल. Next. Potential difference, unit क्या होती है? Volt, right? So this is all about, you need to devise them. Thank you, bye bye.